नहीं दिया, उनकी डिग्री फर्जी हो गई। जैसे बहुत सारे तो पेपर में आया था कि शिक्षा कर्मी में 12वीं पास नहीं थे तो भी उनका हो गया था, नियुक्ति हो गई थी। तो ये मामला 10 साल बाद उछला है, इसको बहुत सारे लोग अभी 2-4 साल 2-3 साल पहले तक, उस समय जब ऑफलाइन सिस्टम था सारी चीजों को, लोग 12वीं नहीं पास थे उनको 12वीं पास करके ले लिए, तो ये तो करते थे, ये अपनी सुविधा के अनुसार डिग्रियां। जैसे कि कोई 12वीं नहीं पास है फिर भी उनको ये लगता था कि पता कैसे चलेगा किसी को कि 12वीं पास है कि नहीं। इसी तरह से जो सचिव की नियुक्ति हुई थी, सह सचिव की हुई थी, इनमें पंचायत स्तर पे व्यापक भ्रष्टाचार है। अच्छा, इसमें आपने सर्कुलर निकाला है कि डीसीए के लिए 12वीं अनिवार्य है? दीपू जी, जी सर्कुलर निकाला तो नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां या कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें न्यूनतम योग्यता भी तो 12वीं दिखा रहा है। उस टाइम का मेरे पास गाइडलाइन नहीं है, पर जहां तक नहीं तो हाँ तो थोड़ा सा गाइडलाइन नहीं है, पर अपन को शिकायत करना है तो अपन बिल्कुल आवश्यक ये है, इसमें देखना ये आवश्यक है कि जिस समय संबंधित व्यक्ति ने डीसीए की डिग्री प्राप्त की थी उस समय यूजीसी के गाइडलाइंस क्या थे, या कि संबंधित विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस क्या थे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब थी एडमिशन के लिए, तो संबंधित विश्वविद्यालय ने क्या क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर थी ये देखना अनिवार्य है। आज क्या पोजीशन है ये देखना जरूरी नहीं है, एट दैट टाइम 2013-14 में क्या क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब थी ये देखना अनिवार्य है। जी सर, ये देखिए, तेरह चौदह में मैंने डीसीए किया था, तो ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने डीसीए किया था। ठीक, तो आप 13-14 गाइडलाइन दी गई थी कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं कोई भी, या तो डीसीए या तो वो इशू नहीं है। यहाँ पे इशू ये है, दीपू भाई का इशू ये है कि डीसीए करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या प्रिस्क्राइब्ड है, whether it is 12th or 10th, ये 12th के बाद करना है कि 10th के बाद होगी, ये पता करना है, ये आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। अभी तो 12th है पर उस समय क्या थी ये कंफर्म करके फिर आप उसकी शिकायत करिए। दीपू जी आप कंफर्म करिए, शायद पहले 10th तो नहीं था, हमको भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। आप के बाद एडीसीए होता है और 12वीं के बाद डीसीए होता हाँ, है। थोड़ा सा आप जी तो आप एक बार उसकी गाइडलाइन जरूर निकालें, उसकी गाइडलाइन भी निकाल के रख लें कि उस समय डीसीए के लिए क्या योग्यता थी, ये बात महत्वपूर्ण है। जी जी है ना, कि उस समय क्या था, कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो हम लोगों को। शायद उस समय की जो गाइडलाइन थी, जैसे भी नित्यानंद जी ने कह रहे थे कि अभी तो है, अभी तो 12वीं पास वाले ही कर सकते हैं, और उस समय की गाइडलाइन क्या थी, क्योंकि शिकायत करने से पहले थोड़ा सा अपन लोगों को बिल्कुल श्योर होना चाहिए ना। सही बात है ना, तो इसको आप थोड़ा सा जानकारी ले लें आरटीआई के तहत, या कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर से, या कि जो भी कॉलेज है कि वो उस समय की आपको जानकारी दे दें कि कब से कब तक। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पहले उन्होंने 10वीं किया रहा हो। जी जी है ना, तो इसकी और बाकी आप ये बदलता रहता है। जी, बाकी आपकी पहल बहुत अच्छी है दीपू जी, हमने देखा था शायद फेसबुक में आपने डाला था कि हम पत्रकार वार्ता करने वाले हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे भ्रष्टाचारों का खुलासा करेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रयास है, इसी से क्या है कि लोगों में जागरूकता आती है, जो लोग अभी चुपचाप बैठे हुए उनको भी ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रयास किया और इस तरह से ये जानकारी सामने आई जिससे लोगों को लाभ हुआ, तो लोग आगे आते हैं। जी, है ना जी। बताएं शिवानंद जी कहाँ गए, स्वतंत्र शुक्ला जी नहीं बता रहे हैं विश्वविद्यालय के बारे में अपने, दिख तो रहे हैं लेकिन इनकी वॉइस नहीं आ रही थी, बीच में आई है। क्या बात है, डिग्री में कोई संशय है क्या? भाई साहब बता दे, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है। दीपू भाई बता रहे थे और तो हम लोग कम से कम सजेशन दे पाए उनको कि भाई वहां देवी अहिल्या बाई यूनिवर्सिटी फर्जी है, वहां मत जाइए। नहीं, बहुत करिए, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं पर शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही है, हैं? तो ये कारण क्या है? ठीक है, रवि मिश्रा हाँ रवि मिश्रा, क्या चल रहा है आरटीआई में, क्या डेवलपमेंट हुआ है, आप लोगों का क्या प्रयास है, कुछ ब्रीफ करिए हम लोगों को भी। रवि मिश्रा, हेलो
हेलो हाँ हाँ बताइए। नॉइज बहुत आ रही है आपके आपके यहाँ से नॉइज बहुत आ रही है। पहले आप ऐसे क्षेत्र में आ जाइए जहाँ पर नॉइज ना हो। हेलो चलिए ठीक है अपन अब थोड़ा सा अगले मुद्दे पे आ जाते हैं। समय लगभग आधे आवाज मेरी अभी आ रही थी क्या? हाँ आ रही थी लेकिन बहुत नॉइज आ रही थी। बताइए आप वीडियो वगैरह आप लोग ऑन कर लिया करिए सामने वाले को समझ में आए कि आप लोग कौन है कहाँ है कैसे हैं जब बोलते हो तो है ना बोलते समय और किसी ऐसे हाँ जगह पे आ जाइए जहाँ हाँ जी अब दिख रही है। बताइए हेलो एक्चुअली मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ मैं जांच के विषय में थोड़ा रीवा जा रहा था पूरा कर लीजिए आप उसको बिल्कुल ठीक है।